तो हेलो गाइस, मैं हूँ कृष्णा पटेल और आप देख रहे हैं पिक्सलो डे। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 32। तो अभी मैं इस साइड आया था, मतलब एक्सपी कलेक्ट करने आया था। जो हमारा एक्सपी फार्म बनाया हमने पिलेजर साइड का, पिलेजर एरिया का, तो वो हमारा एक्सपी फार्म कलेक्ट करने आए थे। तो भाई अभी एक्सपी तो कलेक्ट कर लियो, पर एक सबसे बड़ी न्यूज़ है आज। मतलब न्यूज़ तो आपको पहले ही पता चल गई है कि हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे कम्प्लीट हो गए। बॉय कुछ ही दिन पहले हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। और जब ये 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे थे हमारे चैनल पे, तो भाई बहुत सारे लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट दे रहे थे कि भाई आपके चैनल का मतलब 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो भाई ये चीज़ देख के ना मेरे को भाई बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई है आज कि लोगों ने मतलब हमारे चैनल को भी अपना चैनल मानते हैं। इस बात से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अभी मैं आपको आज ना मतलब ऐसे कुछ चीज बना के नहीं दिखाने वाला हूँ कि कुछ फार्म वार्म बना रहे, ऐसा कुछ नहीं बनाने वाले। आज मैं आपको पूरा वर्ल्ड टूर कराने वाला हूँ कि हमने क्या क्या बनाया था और मैंने क्या क्या चेंजेस करे। भाई कितने कितने सारे जन है यार। तो अभी हम चल के ना सबसे पहले सो जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सारी चीज। तो भाई फाइनली सुबह हो चुके है और अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज दिखाने वाला हूँ कि अपने मतलब पूरे वर्ल्ड में हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या चेंजेस करे। तो भाई सबसे पहले चीज तो मैं कुछ और दिखाने वाला हूँ। मैंने नीचे मतलब जहाँ पे माइनिंग वाला एरिया था ना, हमने वहाँ पे क्या चेंजेस करे वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। भाई बहुत सही लग रहा है यार। मैंने मतलब इतना इतना अच्छा नहीं लगने वाला था। जब मैं बना रहा था ना तो मेरे को लगा था कि इतना अच्छा नहीं बनेगा, पर सीरियसली वो इतना मतलब देखने में बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी चल के देखते हैं और मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ भाई वो कैसा लग रहा है यार। इतना सही लगता है ना, मतलब नीचे एक बार ना मैंने जो करा है ना वो एक बार चल के दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो भाई, यहाँ पे जो जितना भी चीज था ना मैंने मतलब सारी चेंज कर दी। यहाँ पे ये स्टोन ब्रेक ये सारी चीज लगा दी, कोबल स्टोन ये सारी चीज। पर यहाँ पे गेट लगा देना, और इसके कारण देखो भाई कितना सही रूम लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये माइनिंग करने वाला एरिया है, ऐसा लग रहा है कि भाई एक सीक्रेट रूम बनाया हुआ है मैंने। तो भाई ये चीज देख के ना बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। और इधर भाई मैंने मतलब माइन को इतना बड़ा कर दिया है। इधर से देखो, इधर मतलब पूरा जाते जाएंगे हमें इस एरिया में ना एक माइन शाफ्ट भी मिली है। तो अभी हम वो कुछ दिनों बाद एक्सप्लोर करने वाले, वो अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो उसे भी एक्सप्लोर करने वाले बहुत ही जल्द। तो अभी इस एरिया से हम बाहर निकलते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ मैंने क्या चेंजेस करे हैं। तो भाई हमारी दूसरी चीज है, मतलब दूसरी चीज तो नहीं है, हमारा दूसरा स्टेप मतलब पहला हॉर्स फार्म हमने बनाया था। हॉर्स फार्म तो नहीं है, हमारा हॉर्स हाउस था, हॉर्स स्टेबल जो बोलना हो बोल सकते हैं। और इधर मैंने मतलब बहुत सारी चीजें रखी थी, जितनी चीज हम यहाँ पे लेके आते गए बाकी सारी खाली है। इसमें अभी तक कुछ नहीं रखा मैंने, क्योंकि हम मतलब यहाँ पे जितनी चीज हमें मिलती गई गोल्ड के और आर्मर या डायमंड के, तो वो सारी चीज मैं यहाँ पे लाके रखता गया। और ये मतलब सैडल भी लाके मैं यहीं पे रखता गया था सारी चीज। तो ये चीज मेरे को ना बहुत प्यारी लगी थी, ये जगह जो मैंने बनाई थी। और ये वाटरमेलन जो हम लेके आए थे ये भी हमें बहुत ज्यादा ही प्यारा लगा था। और अब हम आपको तीसरी चीज दिखाता हूँ भाई। तो ये हमारा पांडा, भाई पांडा हाउस जो है ना बहुत ज्यादा ही मेरे को प्यारा लगता है। आज मतलब सबसे फेवरेट जगह मेरी है ना अभी तक की यही है कि जो ये चीज मैंने बनाई थी ना सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है यार अभी तक की। तो ये देखो अभी यहाँ पे ये पूरा मतलब पांडा देखो कितने भर चुके हैं यहाँ पे। इसे ऊपर से चल के देखते हैं, यहाँ से पहले ये हटा देते हैं, इसके कारण ना पांडा अंदर नहीं आते। तो भाई इधर देखो भाई कितने सारे पांडा है हो गए यार यहाँ पे। तो ये चीज ना भाई बहुत ज्यादा ही मेरे को प्यारी लगती है अभी भी। तो अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं और मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ कि हमें और क्या क्या मैंने चेंजेस करे। तो अभी मैंने और वैसे तो कुछ चेंजेस ऐसा कुछ करा तो है नहीं खास, लेकिन जैसे अभी वर्ल्ड टूर करा ही रहा हूँ तो ये सारी चीज तो मैं वर्ल्ड टूर करा देता हूँ। और ये जो हमारा बिगेस्ट फार्म बनने वाला है, मतलब बिगेस्ट इतना बड़ा भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इसे और बड़ा बनाने की पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम दूसरा जो फार्म किसी और चीज का फार्म बनाएंगे वो इससे भी बड़ा बनाएंगे। तो ये देखो भाई हमारा नेदर पोर्टल, भाई इसमें मैंने चेंजेस करा और इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं, बहुत ज्यादा ही चेंज करा। तो पूरा देख सकते हो यार पहला कैसा था और अब कैसा, मतलब पूरे में नेदर से ये सारे ब्लॉक लेके आ गया और ये सारी चीज मैंने बनाई है नेदर ब्लॉक से और ये वुड से। तो ये चीज ढूंढने में ना मेरे को बहुत ज्यादा ही मेहनत लगी थी। तो ये सारी चीज बनाने में ना भाई मेरे को ये वाला, ये जो हमारा नेदर पोर्टल ये वाला बना भाई, इसको बनाने में मेरे को करीबन 2 घंटे तो लगे थे भाई। ये चीज मुझे चेंज करना लग रहा है, भूल गया था। तो 2 घंटे के करीब मेरे को ये चीज बनाने में लगी है। तो
तो ये इस चीज अगर ये चीज अच्छी लगी हो ना तो जाके एक लाइक कर देना, और चैनल पे अभी नए हो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके सबसे पहले ना सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारा भाई ऑटोमेटिक, क्या ही बोलूं भाई, ये इतना अच्छा काम करता है, ऑटोमेटिक है हमारा बोन मील फार्म। भाई अभी देखो कितना कितना सही काम कर रहा है, अभी तक हमारे पास इतना सारा बोन मील कलेक्ट हो चुका है और अभी भी मतलब कलेक्ट होते जा रहा है। यहाँ से जैसे शुगर केन कटती है और सीधा हमारे इस कंपास में आके हमें बोन मील दे देती है, तो भाई ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा ही प्यारी लगी थी। और ये पीछे साइड का मैंने पूरा एरिया मतलब क्लीन करा था, और भाई इधर के भी मतलब थोड़े बहुत ये इसमें ग्लिच रह गए हैं, तो ये मैं बाद में सही कर दूंगा, मतलब ढंग से नहीं बनाया। पीछे साइड का एरिया जो है ना वो मैंने ढंग से नहीं बना पाया, इस साइड का एरिया मैंने पूरा भाई बहुत ज्यादा ही अच्छा बनाया था। तो ये देखो भाई इस साइड से पूरा सही दिखता है, इस साइड से भी सही दिखता है, उस साइड का हम चेंज करके आएंगे। तो भाई ये जब मैंने ये एक्सपी फार्म बनाया था ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था, इसके कारण मैंने यहाँ पे इतनी सारी लाइटनिंग करी थी। और भाई ये वाली जो वीडियो थी मेरे को शेडर पैक के साथ बनानी थी, लेकिन अभी हमारा शेडर पैक काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी हम शेडर पैक का यूज नहीं कर पाए। और ये हमारा आयरन फार्म, भाई अभी मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं आया था ना, इसलिए इसी कारण ये हमारा आयरन फार्म काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन कितना आयरन हमारे पास अभी है, काम शायद कर रहा है, तो कितना इतना सारा अभी हमारे पास आयरन फार्म मतलब आयरन है। तो अभी हमें वैसा भी काम भी नहीं करे तो कोई बात नहीं, हमें आयरन की इतनी जरूरत है नहीं, इतना आयरन बहुत है हमारे लिए। तो भाई ये चीज थी हमारी मतलब जो हमने चेंजेस करे थे, और मतलब जो चीज जो हमारे वर्ल्ड में है। और वर्ल्ड में एक और चीज है भाई, हमारा ये प्लेटफॉर्म, भाई ये प्लेटफॉर्म ना मेरे को बहुत ज्यादा ही प्यारा लगता है, क्योंकि ये जो मतलब हम यहाँ से कुछ ही सेकंड में ना हम अपना एक्सपी फार्म में पहुंच जाते हैं और दूसरे विलेज में भी पहुंच जाते हैं। तो ये फार्म मेरे को सही सा फार्म तो नहीं, ये हमारा एफिक्स प्लेटफॉर्म है। तो भाई ये देखो ये प्लेटफॉर्म ना मेरे को बहुत सही लगा, ये कहाँ जा रहा है, आड़ा टेढ़ा ही जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म मेरे को सही लगा, ये वाली जो रेल ट्रैक जा रही है ना ये दूसरे विलेज में जा रही है, तो आयरन फार्म हमारा फाइनली वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो और ये जो है ना ये वाली प्लेटफॉर्म मतलब ये जा रही है अपने एक्सपी फार्म की तरफ, और ये जा रही है अपने विलेज की तरफ। और हाँ ठीक है, तो ये हमारा जो आयरन फार्म है ना ये वर्क कर रहा है, मतलब 45 या समथिंग 1 मिनट में एक आयरन फार्म शायद स्पॉन होता है, ऐसे ही कुछ है। और ये वाला एरिया अगर ऊपर से देखेंगे ना तो भाई यहाँ पे ग्लास लगा के रखे, और नीचे साइड में ये जो नेदर से मिलते हैं, क्या इसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो हमने ये लगा के रखे जिससे ना रात में यहाँ पे मतलब लाइटनिंग ही लाइटनिंग रहती है, इसलिए यहाँ पे इतने मॉब्स स्पॉन नहीं होते इस एरिया में। और यहाँ पे मतलब ये चीज ना मेरे को बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, ये चीज जो करके रखती है, इसकी थोड़ी सी घास कटिंग कर देंगे, इतनी बड़ी गड़ी अच्छी नहीं लग रही है। और भी बहुत सारी चीजें अभी और दिखाना भाई, हमारा वर्क स्टेशन दिखाना वो सबसे, और ये हमारी जो एनिमल फार्म है ये दिखाना, अभी वर्क स्टेशन दिखाना है, और भी बहुत सारी चीजें है जो दिखाना है, जैसे कि अभी हमारे पास एक वो ग्रीन हाउस है, अभी मेरे को वो दिखाना है। तो अभी चल के ना अपन वर्क स्टेशन देखते हैं भाई, अभी अपन वर्क स्टेशन ना आखिरी में देखेंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ खास करके रखा है, इसलिए वहाँ पे उस साइड ना आखिरी में जाएंगे। और ये हमारा मतलब चिकन फार्म है, और ये हमारा नहीं वो हमारा एग फार्म है, ये हमारा चिकन फार्म है, और ये हमारा ग्रीन हाउस है। भाई ये ग्रीन हाउस ना सबसे सही है, देखो भाई कितनी सारी चीज मतलब ग्रो हो चुकी है इसमें, मैंने मतलब कलेक्ट भी करके रखी है, ऐसा नहीं है इसमें मैं आता रहता था, अभी मतलब बहुत दिनों से भाई क्या हुआ, अच्छा ये भाई बहुत दिनों से आया नहीं था ना, इसके कारण मैंने मतलब यहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहा था ढंग से क्या हो रहा है। इसके अंदर हमने वाटरमेलन कनेक्ट करके रखे, और इसके अंदर मैंने पम्पकिन कलेक्ट करके रखी है, ये सारी चीज मैंने कलेक्ट करके रखी है, और ये इतनी सारी चेस्ट रखी है यहाँ पे, मतलब अभी हमारा ये जो बहुत सही है इसमें, अभी मतलब जब हम कलेक्ट करेंगे तो भाई हमारे पास ये इतनी चेस्ट भी हमें कम पड़ने वाली है। तो अब हम चलते अपने वर्क स्टेशन साइड, तो भाई वर्क स्टेशन से पहले हम आपको ये इतनी ऑटोमेटिक जो वूल फार्म है भाई ये पूरा ऑटोमेटिक है, यहाँ से हमें वूल कलेक्ट होके मिलती रहती है, और ये ना सेकेंडों में काम करती है, जैसे इनकी ये वूल आते हैं ना वैसे ही कटे जाते हैं यार, इतना सही फार्म है ये। और ये हमारा ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म भी है भाई, यहाँ पे तो भाई क्या ही बोलूँ, शुगर केन की तो भाई बिल्कुल भी कमी नहीं हो रही है यार, तो शुगर केन की तो अपने पास बिल्कुल भी कमी नहीं। अब हम यहाँ पे चलते अपने वर्क विलेजर वर्क स्टेशन में, भाई यहाँ पे जो चीज है ना वो थोड़ी सी खास बना के रखी थी, मतलब 1K सब्सक्राइबर जब हुए थे उसी चीज के लिए मैंने मतलब सेलिब्रेट करने के लिए एक चीज बना के रखी, तो वो चल के दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो ये हमारा जो ये है ये पूरा वर्किंग स्टेशन है अपने विलेजर ऑन का। और जो दूसरी चीज है भाई जो दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा था वो ये है,
भाई हम अपना यहाँ पे मतलब भाई क्या हो रहा है, तीर की आवाज है भाई यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से शायद स्केलेटन होगा। तो भाई ये अभी जितने भी जने ना सब इधर आ जाएंगे, अभी अपन इन सबको बुला लेते हैं इस साइड। तो भाई ये घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना, ये घर जाएंगे, मेरे को पक्का यकीन था ये घर जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, इधर ही आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापिस आ जाओ, मेरे को पक्का यकीन था ये लोग घर ही जाने वाले हैं भाई। अरे वापिस आ जाओ, छुट्टी नहीं करी, वापिस बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। भाई कहा भाई, सोने चले गए क्या भाई? चलो कोई बात नहीं, जितने जन हम उनके साथ ही सेलिब्रेट कर लेते। तो यहाँ पर हम अपनी कैंडल को ब्लो करने वाले हैं। तो भाई अब अपन काटने वाले केक। तो भाई एक भाई कैंडल ब्लो कर लिया, अब आपको भाई 1K सब्सक्राइबर के लिए भाई बहुत ही सही चीज है। तो हम यहाँ पे ये केक केक खाएगा, नहीं खा रहा। अच्छा कैंडल, सबसे तो पहले कैंडल हटानी पड़ेगी, तो कैंडल हटा देते हैं। नहीं अच्छा केक ही पूरा हट गया भाई, ये क्या हुआ, केक खाया नहीं इसने, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे 1 केक के लिए हमने जो केक बनाया था वो हमारा काम तो आ गया। अब जो सबसे मेन चीज है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वो चीज देख के ना भाई बहुत ही ज्यादा सही लगने वाला है। तो भाई ये देखो भाई, फाइनली ये चीज मतलब मैंने बना ली यार, 1K सब्सक्राइबर का हमने एक होल्डिंग बना चुके हैं भाई। ये देखो ये हमारा पूरा बैनर है, और ये हमारा यूट्यूब का साइन है, और इधर मैंने लिखा थैंक यू फॉर 1K। और ये जो 1K है ना भाई, मेरे को ये 1K मैंने पूरा गोल्ड से बनाया, मतलब इतना गोल्ड तो था नहीं इसलिए छोटा सा 1K बनाया। और ये पूरा मतलब गोल्ड कलेक्ट करना, और ये ग्लो स्टोन कलेक्ट करना, और ये सब बना जो बनाया, मतलब मेरे को करीबन 5-6 घंटे लगे हैं इस चीज को बनाने के लिए। और इस चीज के लिए ना भाई 1 लाइक तो बनता है यार, जाओ जल्दी से 1 लाइक तो कर दो यार। तो भाई ये चीज हमें मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा ही प्यारी लगी, और इस चीज के लिए भाई मैं 1 लाइक तो चाहता ही चाहता हूँ भाई, जाओ और 1 लाइक तो करना ही करना। और चैनल पे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो ना, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और जाओ जल्दी से। तो वैसे आज की वीडियो ना बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।